बिज्जी छोटी छोटी कहानियां घनी लिखी है। एक और है, एकर महादेव जी दुनिया माथे घणो कोप करियो, खंड लियो के जटा ताई आज दुनिया सुधरे लानी जब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। दुनिया जब तक सुधरे लानी जब तक मैं शंख बजाऊंगा ही नहीं। और महादेव जी शंख बजावे तो बरसात वे, काल माथे काल पड़िया, पानी री छाटी नहीं पड़ी, दुनिया घनी कड़पी घनी परिश्चित करियो, पर महादेव जी आप रे खंडसू डिगिया ही नहीं। एकर महादेव जी और पार्वती जी गिगन में उड़ता जा रिया था, महादेव जी और पार्वती जी गिगन में उड़ता जा रिया था। काई देखियो कि एक जाट सूखा ही खेत में खेत खड़े, पर सेवा में घाण भी उड़ो, लत्थो बत्थ भोले बाबे मन में इचरज करियो कि पानी बरसिया ने तो बरस बिया, पर इन नान रो ओ कहीं चालो, विमान सुवे नीचे उतरिया। चौधरी ने पूछियो, बावड़ा फिरता क्यों आफले, सूखी धरती में क्यों पसीनो गाले, पानी रा तो सपना ही को आवे नी। तो चौधरी बोलियो, साची फरमायो थे भाई, पर खड़न री आदत नी पातर जाऊं, इन खातर मैं तो आए ने साल सून करूं और खेती जोतूं, मैं मारी आदत सू नी जाऊनी चाहूं, और जो मारी आदत पड़ी है खड़न री वो तो मैं करूं लाइच को नी, भली पानी आवे के नी आवे, जोतन री जुगत पांतर गयो तो पानी पड़िया ही नी जेड़ो। बात महादेव जी रे है आएगी और ये ढुकिया बात के आप बात तो सांची कहवे, मन में विचार करियो महादेव जी, मने ही शंख बजाया ने बरस बीत गा, शंख बजानो भूल तो नहीं गयो कट में, खेत में उबाई वो जोर सु शंख पूरियो, चौफेर घटा उमड़ी, आंबे में गड़गड़ाट मच गई, अड़ माप पानी पड़ियो, चटे निजर ढूके उठी जड़बम भी जड़बम। तो कहने की बात यह है कि जो हमारी आदत है, जो हम सीखे हुए हैं, जो हमारा हुनर है, जो हमें अन्न रोटी दिलाता है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए।